बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मज़ेदार चाउमी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चाउमी चटपटी कैसे हो सकती है, लेकिन आज आपको मसालेदार चटपटी चाउमी बताऊंगी कि बच्चे और सब खाएंगे बहुत ही शौक से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने स्पेगेटी ली है, जो मैंने एक स्पेगेटी के पैकेट में मैंने हाफ लिया, ठीक है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, मैंने इस तरह लंबा लंबा काट के रख लिया है। साथ में मैंने 3 टेबलस्पून सिरका, हाफ प्याली सोया सॉस, हाफ प्याली चिली सॉस, 1 प्याली मैंने शिमला मिर्च, 1 प्याली मैंने ली है गाजरे, 1 प्याली मैंने बंद गोभी, 1 टेबलस्पून मैंने ली है काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है नमक, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने तिक्का मसाला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पानी गर्म हो गया है हमारा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले हम स्पेगेटी बॉईल करेंगे। अब इसमें हम इस तरह रखेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे। चले अब इसको बॉईल होने देते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे, हो गए हैं बॉईल, हो गए हैं। अब इसको छानते हैं हम लोग। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चिकन शामिल करेंगे, टिक्का मसाला, नमक, अब इसको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। चिकन हमारा हो गया है, मसाला भी अच्छे से हो गया है। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे, गाजर, बंद गोभी, थोड़ी सी काली मिर्च, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, अब इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसे ढक देंगे, 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। चलिए जबरदस्त हमारी चाउमी रेडी होने लगी है। अब हम इसमें स्पेगेटी शामिल करेंगे। बहुत ही मजेदार चटपटी। अब हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। बहुत
ही मजेदार चटपटी हमारी चाउमीन रेडी होगी है, तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें। तो इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।